तो हट्टी समिति में भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं कि ये मसला जो है वो सुलझे ना। चुनाव खत्म हो चुका है, वो हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांसगिरी से विधायक बनने थे बन गए हैं। अब नोटिफिकेशन तो ये है, ये नोटिफिकेशन मेरी थोड़ी है नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन तो भारत सरकार की नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। उन्होंने हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किया है। जो ये गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उसके मुताबिक ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो ST बन जाता है। तो हमें कभी भी जयराम सरकार ने ना कभी हमें पूछा ना कभी हमें मुझे बुलाया। वो हमारे जो ST के कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी, उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए। इस मुद्दे का हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम हल करना चाहते हैं। हर समाज के लोगों को हमको साथ लेकर के चलना है। निवेदन करूँगा हाटी समिति के लोगों से भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, कोई ऐसी बयानबाजी ना करें। पूर्व सरकार ने कहा कि ST इसमें नहीं होंगे। नहीं, आज जो है माननीय जगत सिंह नेगी जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया, उसके बारे में मेरे और विनय कुमार जी की रिक्वेस्ट पे सरकार ने मीटिंग बुलाई, जिसमें सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर ओंकार शर्मा जी और सेक्रेटरी लॉबी थे, और हमने समाज के सभी लोग, चाहे वो हाटी समिति के लोग थे, चाहे OBC के लोग थे, चाहे SC के लोग थे, और हमने सबको बुलाया और विस्तृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी, और सब ने अपनी अपनी जो है बात रखी है। और हम इस नतीजे पे भी निकले थे कि भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है, और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हमारे जो ट्रांसगिरी के बच्चे हैं उनको प्रोविजनल ST का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जगत सिंह नेगी जी ने उसको एग्जामिन लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए कहा, और उसके बाद हमने जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भेजा है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, उन्होंने हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उसके मुताबिक ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो ST बन जाता है। जब ये नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार के पास आया और इसका लॉ डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया, और पिछली पूर्व सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था उन्होंने ST को भी एक्सक्लूड करके भेजा था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मगर जब नोटिफिकेशन आई तो नोटिफिकेशन में सब लोग जो है वो उनको ST बनाया गया है। तो हिमाचल सरकार ने, लॉ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, अभी तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मगर सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी के कहने पे हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, हमने सुरेश कश्यप माननीय सांसद जो हैं उनको भी बुलाया, और हमने पौंटा के विधायक है, रेणका के विधायक है, और राजगढ़ के माननीय विधायक है, सबको पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर के उनको आमंत्रित किया कि विस्तृत रूप से आप आएँ और सरकार के सामने पक्ष रखें, और किसको इस ST वाले इशू को किस तरह से स्मूथली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पहली बार हुआ, क्योंकि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त मैं और विनय कुमार जी ट्रांसगिरी क्षेत्र से विधायक थे, हमें कभी भी जयराम सरकार ने ना कभी हमें पूछा ना कभी हमें मुझे बुलाया, मगर हमने एक अच्छी पहल करके चुने हुए प्रतिनिधि और उस समाज से जो इफेक्टेड लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने सबको बुलाया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हो रही थी। और मैंने सुझाव रखा कि हमारे जो सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, मैंने उनसे निजी रूप से भी बात की, परसों मैंने उनसे बात की और मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि वो इस मीटिंग में आएं और इस इशू पे अपनी वो बात रखें, मगर वो उनकी व्यस्तता थी। मैंने उनको कहा कि हम सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में जो लॉ मिनिस्टर है या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार ने मांगी है उसको हिमाचल सरकार को तुरंत भेजें ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बात हो रही थी, मगर वो हमारे जो ST के कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी, उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कह सुनी होनी शुरू हो गई, और उन व्यक्ति जो ST समाज से व्यक्ति थे उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है, या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था, वो तो उनकी आपस की जो कहा सुनी और तुतु मेमे हुई है उसकी वजह से वो उठ करके गए हैं। मैं ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा
कि इस मुद्दे का हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम हल करना चाहते हैं, हम समाज को नहीं बांटना चाहते, हमारे समाज में जो है टकराव और विघटन ना हो। और हम, मैंने खुद उनको कहा कि मैं जो लॉ मिनिस्टर है, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर है, मैं उनसे टाइम लेता हूँ, अगर आप ले सकते हैं टाइम तो आप लो, और विनय कुमार जी और मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल में जा कर के हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लैरिफिकेशन भेजें ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो सके। नहीं देखो, ऐसा है कि सरकार ने पहल करके समाज के सभी लोगों को बुलाया है, चाहे वो हाटी समिति के लोग हैं, चाहे राजपूत लोग हैं, चाहे SC लोग हैं, चाहे OBC लोग हैं, और आप हम बैठ करके एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और हम रास्ता निकाल रहे हैं। भाई अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष ने कोई अगर आपको कोई ऐसी बात कह दी हो और उसकी बात को कह करके आप उठ करके बाहर जा करके वॉकआउट करके या बाहर जा करके मीडिया में ऐसी वैसी बातें बोलना चाहते हैं, मैं ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो समाज को बांटने का काम, चाहे चुनाव ख़त्म हो चुका है, अब हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांसगिरी से विधायक बनने थे बन गए हैं, मगर हमको समाज को ख़राब नहीं करना है, हमको एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है। हमको हर समाज के लोगों ने वोट दिया है, हर समाज के लोगों को हमको साथ लेकर के चलना है, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। मैं निवेदन करूंगा हाटी समिति के लोगों से भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, कोई ऐसी बयानबाजी ना करें। इसमें एक ग्लिच ये बता रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन बार बार सरकार मना क्यों कर रही है, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं। देखो, हिमाचल सरकार तो इसको नोटिफाई तब करेगी जब वो क्लैरिफिकेशन आएगी। पूर्व सरकार ने कहा कि SC इसमें नहीं होंगे, और जो पॉपुलेशन हाटियों की, जो ट्रांसगिरी क्षेत्र की, 1,60,000 दर्शाई गई है, मगर जब नोटिफिकेशन आ रही है, अब नोटिफिकेशन तो ये है, ये नोटिफिकेशन मेरी थोड़ी है, ये नोटिफिकेशन तो भारत सरकार की नोटिफिकेशन है, और भारत सरकार की नोटिफिकेशन कह रही है हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो जो हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा था, और मेरी सुरेश कश्यप से बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसमें भी 1,60,000 लोगों को दर्शाया गया था और SC को बाहर रखा गया है। त्रुटि तो यही है, अब SC को जब बाहर रखा गया है फिर नोटिफिकेशन में कैसे आ गया सब लोग? तो हिमाचल सरकार ने भी क्लैरिफिकेशन मांगी है। तो हम संयुक्त रूप से, सुरेश कश्यप जी अगर चाहेंगे, हम उनके नेतृत्व में और हाटी समिति के लोग और समाज के सब लोग, हम केंद्रीय मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर मिलने जाएंगे। अभी छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, मैंने खुद रिक्वेस्ट की है कि अब लोग, कुछ बच्चे हमारे हाईकोर्ट में गए सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट लेने, मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि लॉ डिपार्टमेंट की भी सरकार जो है वो तहसीलदार को आदेश करे कि जो भी व्यक्ति है हाईकोर्ट ना जाने के बजाय उनको ST के सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किए जाए, जैसे कि हाईकोर्ट ने कहा है। तो जगत सिंह नेगी जी ने, माने जगत सिंह नेगी जी ने कहा है कि हम इसको एग्जामिन करके और अगर ये फिजिबल होगा हम ये आदेश लागू कर देंगे। तो अब अगर आप किसी चीज़ को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करोगे, वो चुनाव थोड़ी है अभी, कोई हिमाचल में कोई चुनाव थोड़ी हो रही है, हमने कोई चुनावी मुद्दा बनाने चुनावी बातें करें, हम तो चीज़ों को हल करने के लिए बैठे हैं। मगर एक व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति अगर आप कोई टिप्पणी, टिक्का टिप्पणी कर दे आप, और वो बात आपको उसकी पसंद ना, और उस आधार पे आप उठ करके, मीटिंग से उठ करके बाहर चले जाए, तो ये दुखद है। इसका मतलब ये कि ये इस मसले को सीरियसली रिजॉल्व नहीं करना चाहते, सुलझाना नहीं चाहते। बिल्कुल, मैंने तो मीटिंग में कहा है, मैंने हाटी समिति के लोगों को कहा है, मैंने वीरेंद्र कश्यप जी को कहा है कि आपके नेतृत्व में हम केंद्र, सुरेश कश्यप जी को कहा है हम कि हम आपके नेतृत्व में ट्राइबल मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर पे जा करके, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो क्लैरिफिकेशन है वो तुरंत क्लैरिफिकेशन दे दी जाए ताकि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। नहीं, वो तो आपस में, दोनों आपस में लड़ रहे थे। देखो, वो हमने रिक्वेस्ट, मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति ने कोई टिक्का टिप्पणी की, उसको आधार को आप ऐसे क्यों ले रहे हो, वो उसकी पर्सनल बात है। मगर ये मीटिंग कोई उन्होंने थोड़ी बुलाई है, तो सरकार ने मीटिंग बुलाई है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनको कहा बैठिए, बात करते हैं, इसका समाधान करते हैं। मगर ऐसे कि कुछ लोग जो शरारती तत्व है, हाटी समिति में भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं कि ये मसला जो है वो सुलझे ना, उलझा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है।